नंबर 15, एक लीटर दूध को मिड डे मील के 81 बच्चों में बांटा गया। यह सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह सच्चाई है और इसे संभव कर दिखाया है उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने। यह सब हुआ है सूबे के आखिरी और देश के 115 अति पिछड़े जिलों की सूची में शामिल सोनभद्र में। यूपी के सोनभद्र जिले में एक प्राइमरी स्कूल में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील की हकीकत सामने आई है। यहां एक लीटर दूध को 81 बच्चों में बांटा गया। दरअसल एक लीटर दूध को कई लीटर पानी में घोलकर बच्चों को दे दिया गया था। घटना सामने आने के बाद प्रशासन एक्शन में आ गया और स्कूल स्टाफ को इस लापरवाही का दोषी पाया। बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखनाथ पटेल ने कहा कि मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद दोषी कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मिड डे मील के लिए तय नियमों के मुताबिक हर बच्चे को 150 मिलीलीटर दूध मिलना चाहिए। हमारी जानकारी में जब यह मामला आया तो हमने और दूध मंगवा कर बच्चों को पीने के लिए दिया। बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में बच्चों को मिड डे मील में नमक रोटी खिलाने का मामला सामने आया था। बच्चों को नमक रोटी खिलाने का वीडियो वायरल होने के बाद डीएम ने वीडियो बनाने वाले पत्रकार के खिलाफ ही FIR दर्ज कराई थी। हालांकि स्कूल में खाना पकाने वाली रसोईया रुक्मणी देवी ने बताया कि बच्चों को उस दिन नमक रोटी खिलाने का वीडियो सही है। वहीं इस पूरे मामले का वीडियो बनाने वाले स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि ग्रामीणों ने सूचना दी कि दूध में पानी मिलाकर बच्चों को पिलाया जा रहा है। वह जब विद्यालय पर पहुंचा तो अमूल ब्रांड के दूध में हेडपंप से पानी मिलाकर उपस्थित 81 बच्चों को पिलाया गया। इसकी जानकारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दी गई। इस पूरे मामले पर बेसिक शिक्षा विभाग के खंड शिक्षा अधिकारी मुकेश कुमार राय ने बताया कि सलाई बनवा प्राथमिक विद्यालय पर कुक द्वारा एक लीटर दूध में 81 बच्चों को दूध पिलाने की बात सामने आई थी, लेकिन जैसे ही दूध कम होने की सूचना मिली तो बच्चों को पुनः दूध मानक के अनुसार दिया गया। इस पूरे मामले पर बेसिक शिक्षा विभाग के बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखनाथ पटेल ने बताया कि शिक्षा मंत्री जितेंद्र कुमार के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है। सलाई बनवा प्राथमिक विद्यालय पर कुक द्वारा दूध का पैमाना है वह पैकेट का दूध है। यहाँ दूध की उपलब्धता कम है, इसीलिए पैकेट के दूध में पानी मिलाया जाता है। बच्चों को पुनः दूध मानक के अनुसार दिया गया। हर पहलू पर जांच की जाएगी। राजवंश जी क्या करते हैं? हम यहाँ एक स्थानीय अखबार उसका रिपोर्टर है। ये जो अभी आप वायरल जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो आपने वीडियो जो बनाया है, ये क्या है वीडियो और क्या देखा था आपने? क्या है ये खबर, कैसी खबर है ये? हमें एक सूचना मिली ग्रामीणों द्वारा कि यहाँ एक सली बनवा में जो है प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पर जो है दूध में जो है कई दिनों से जो है बच्चों को दूध जो है कम पिलाया जाता है, पानी डाल कर पिलाया जाता है। तो हमने जो है रिपोर्टिंग के लिए जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ जा कर के देखा कि एक डब्बा अमूल दूध का पैकेट रखा हुआ था और भगोने में रसोइयों ने एक बाल्टी पानी पहले उसमें डाला, उसके बाद अमूल दूध का पैकेट खोल करके उसमें डाला, उसको आधी बाल्टी पानी पुनः हैंडपम्प से भर करके ला करके उसमें डाल दिया। अच्छा। तो मैंने उस रसोइये से पूछा कि आपने इसमें कितने बच्चों को दूध पिलाएंगे, तो बोले कि 85 बच्चों को उन्होंने बताया, क्योंकि 81 बच्चे उसमें मौजूद थे, स्कूल में एब्सेंट प्रेजेंट थे। तो उन्होंने बताया कि हमके याद कर हमेशा लगभग कई बार ऐसा यहाँ हुआ, जो मिलता है वही हम पिलाते हैं। रसोइये ने बताया कि जो मिलता है वही हम पिलाते हैं। तो आप कह रहे कि इतना दूध इस तरह का दूध पिला रहे हो तो क्या बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा? बोले कि हम तो रसोइये, हमें जो अध्यापन देंगे उसको हम पिलाएंगे। उसने बस यही बात कहा कि अपना खाना बनाने लगी। अच्छा, तो आपने कुछ फिर इसको हमने अपने अखबार में खबर के लिए जो है भेजा, जो है खबर छपी। क्या हुआ कल जब दूध दिया गया था? सर दूध है पैकेट रहा तो कौन कहा बनाने को? कौन सर? जितेंद्र। क्या है वो यहाँ पे? पढ़ाते हैं यहाँ पे। अच्छा, सर लोग चल दिए हैं, दूध नहीं ले रही है, एक पैकेट रहा। तो एक पैकेट में कितना पानी मिलाई? एक पैकेट में एक बाल्टी डाले। एक बाल्टी। अच्छा, कितने बच्चों को पिलाई? टोटल कितने लड़के थे उस समय? बच्चे कितना है मानते हैं? 85 बच्चे।
85 बच्चे थे। अच्छा, तो क्या एक ही पैकेट आता हमेशा? सर कल एक ही पैकेट रहता करते हैं, हम लोग नहीं बनाए। अच्छा, बाद में सर लोग कह दिए कि गर्म कर दिए तो पाछे भर के पिया दिए। मतलब एक बाल्टी पानी में एक पैकेट मिला दी। आपका किस पद पे हैं? तो ये बताइए कि कल क्या हुआ था, कितना दूध था? सर दूध तो एक लीटर पहले से था। हाँ। अब दालों को मालूम नहीं था, जैसे सर गए थे लेने डाला तो बाद में लेकर आए तब तक यहाँ भाई गर्मा दी थी। एक लीटर था। हाँ। कितने बच्चों को पिलाया उसमें? 81 बच्चे थे, सभी लोग पिए वो बात। लेकिन फिर पुनः फिर लाया तो फिर से गर्म होकर फिर पिलाया गया। कितने बजे? कितने बजे? 2:30 के आसपास। 2:30 बजे करीब। फिर दोबारा भी पिलाया? हाँ, दोबारा भी पिलाएगा। अच्छा, ठीक है। लीटर वाली जो पैमाना आप बता रहे हैं, लीटर पैमाना वो होता है जब लिक्विड दूध हो। यहाँ पैकेट का दूध था। और मैंने परीक्षा की है माँ समूह के लोगों से भी जो यहाँ रसोईया हैं और उन्हीं के बच्चे हैं, क्योंकि यहीं के लोकल लोग हैं। तो उनका ये कहना है कि हमेशा दूध मिलता है सर, इत्तफाकन यहाँ चूंकि दूध की अनुपलब्धता के कारण शासनादेश है कि जो दूध जो अनुमन्य है खाद्य पदार्थों में पैकेट का, उसको पानी मिला के उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है एक संतुलित मात्रा में जल का। तो इत्तफाकन एक ही डिब्बा था, वो चले गए थे अध्यापक, जैसा कि मुझे बताया गया है। अभी जो बयान इन लोगों का मैं लूंगा और अन्य पहलुओं पर भी जाँच करूंगा। तो वो इत्तफाकन लेने गए थे, इसी बीच जो है कुछ यहीं के लोग इस चीज को जो है पानी मिला के या कैसे ज्यादा उस चीज को मीडिया में देना या उसको फोटो खींचना, खींच के मीडिया में देना, इस तरीके की। तो क्या लगता है, क्या सोची समझी रणनीति के तहत करवाया गया? ये मैं नहीं कह सकता, ये जांच उपरांत और जो भी अगर कोई दोषी होगा तो निश्चित हो। सर जांच कमेटी इसके लिए गठित की गई है क्या? मैं खुद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैं खुद आया हूँ, मैं खुद जाँच कर रहा हूँ और निश्चित तौर पे जो इसमें अगर लापरवाही या दोषी होगा तो इसमें कार्रवाई करेगा। ये मिड डे मील में एक लीटर में 81 बच्चों को तो दिया गया, ये क्या मामला है? तो क्या कार्रवाई, क्या कार्रवाई हुई है इसपे? कल एक न्यूज निकला जिसपे अधिकारियों की टीम भी गई थी, मैं खुद भी गया था वहाँ। एक शिक्षा मित्र तैनात जितेंद्र करके, उन्होंने एक मैलिफाइड इंटेंशन से उस दिन निर्धारित समय के पहले ही जो एक लीटर दूध वहाँ उपलब्ध था, और जो अटैच्ड अध्यापक है जो MDM का भी प्रभारी थे, वो बोल के गए थे मैं और दूध लेके आता हूँ। इसी बीच उन्होंने रसोईयों को बोला था कि तुरंत इसको आप बनवाओ, और उसी समय उन्होंने कुछ मीडिया पर्सन्स को भी बुला के और वहाँ वीडियो भी बनाया और उसका अपलोड भी कर दिया गया। तो इसमें जब जाँच के बाद ये निकल के आया कि उनका मैलिफाइड इंटेंशन था, तो उनके खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ FIR भी दर्ज हो गई है। उसके अलावा टीचर को इंश्योर करना चाहिए था कि दूध समय से पहले ना हो, जो जिन्होंने नहीं किया उनको भी सस्पेंड कर दिया गया और विभागीय कार्रवाई भी प्रचलित है। और जो ABS हैं खंड शिक्षा अधिकारी, जिनकी जिम्मेदारी है इसकी पर्यवेक्षण का, तो पर्यवेक्षण लापरवाही बरतने के कारण उनके खिलाफ भी शासन को रिपोर्ट भेज दी। शिक्षा मित्र पर सर FIR किया? हाँ, शिक्षा मंत्री के खिलाफ FIR की है क्योंकि उन्होंने मैलिफाइड इंटेंशन से ये सारी चीज़ किया गया और निर्धारित समय के पहले किया। किन ये भी मैं स्पष्ट कर देता हूँ, वो उस दिन का घटना थी। किन किन धाराओं में किया गया? ये धारा 408, ये थाना 54 में किया गया, और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में 408। सर प्रतिदिन कितना दूध जाता था विद्यालय? माना कि ये है कि 150 ml बच्चों को देना था प्राइमरी में और 200 ml इनका हर बुधवार को, और इसको कन्वर्जेंस कास्ट जो मिलता है, जो खाना बनाने के टाइम उसी के अंडर इसको समायोजित किया जाता है। सो वहाँ जो दूध लिया जाता है वो अमूल गोल्ड का हाइजीनिक है, और आप सब जानते हैं अमूल ब्रांड के बारे में भी, उसका 4 पैकेट का वो जो है वो दूध का जाता है वहाँ पर। सर इस पर किसकी लापरवाही मानते हैं सर, कि लापरवाही और चूक कहाँ हुई? लापरवाही एक तो MDM प्रभारी का भी लापरवाही है, समय से दूध पहुंचाना उनका जिम्मेदारी था, और ABSA का भी इसमें लापरवाही, एक तो सुपरविजन नहीं किया, और अध्यापक विहीन विद्यालय नहीं होना चाहिए था, उनको एक अध्यापक कम से कम वो इंश्योर करना चाहिए था कि वहाँ स्कूल में एक रहे। MDM को लेकर सर एक विद्यालय नहीं, यहाँ पे 2000 से अधिक विद्यालय हैं और सभी विद्यालयों पर कम उपेश देखा जा रहा है कि यही हालत है, तो ऐसे में सुधार और गुणवत्ता के कैसे करेंगे आप? MDM निगरानी के लिए ऑलरेडी व्यवस्था है, जो IVRS सिस्टम से इनसे रोज जो है ये कॉल जनरेट होती है और अध्यापक रोज रिपोर्ट लगाते हैं
कितने बच्चे आ रहे हैं और कितने बच्चे खाना दिया और क्या क्या मेनू के अनुसार बनाया कि नहीं बनाया जी। बट उसमें कुछ कमी है, इसलिए जो अभी प्रेरणा आप सब जानते हैं उसमें तो फोटोग्राफ सही अपलोड करने की व्यवस्था है, तो बहुत जल्दी लागू हो जाएगा, तो ये किसी प्रकार की शिकायत की मौका ही नहीं मिलेगा। MDM में सर कोटेदार और प्रधान की भी मिली भगत होती है, तो इसमें किस तरह से इसमें सुधार की व्यवस्था करेंगे और खाद्यान्न की जो कालाबाजारी हो रही है? जी एक जनरल विषय है, सो इसमें अगर पर्टिकुलर डिटेल मुझे देंगे तब मैं उसको बारे में बता पाऊंगा। आप लोग जानते हैं एक दिन अचानक एक इंसिडेंट हो रहा है और इंसिडेंट करते समय शुरुआत से लेकर अंत तक वीडियो बनाया जा रहा है जी। सो आप लोग अपना निष्कर्ष निकालो, क्योंकि इस पे जो जिसने वीडियो बनाया उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। नहीं, हम तो ये मानेंगे जो विद्यालय में हमारे जो थे जी, जिन्होंने समय के पहले ये एक मैलिफाइड इंटेंशन तरीके से किया, वही जिम्मेदार उनकी फीस की जाए। सर JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।